बात बात में गरीबों का विकास करने की बात सरकार और सरकार के नेता करते हैं। अभी हम लोग मुंबई के कुर्ला में हैं और मेरे पीछे ये विद्या विहार सिटी दिख रहा है। ये महाड़ा के द्वारा बनाया हुआ फ्लैट है और इसमें गरीबों को फ्लैट दिया जाता है। इस देश में जितनी भी मेट्रो सिटी है वहाँ पे अभी वर्तमान समय के अनुसार 1-1 लाख फ्लैट गरीबों को दिया जाए, फिर भी सभी को 2022 तक घर नहीं दिया जा सकता है और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम सबको घर देंगे। इसके लिए काम तेज गति से होना चाहिए। अभी शायद से 8948 घरों का लॉटरी महाराष्ट्र में निकला हुआ है जिसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया, और पीछे जितनी भी बिल्डिंग्स दिख रही है उसमें से ज़्यादातर फ्लैट अभी भी खाली है। अगर सरकार का इच्छा शक्ति सही होता तो शायद गरीबों को फ्लैट मिल गया रहता और उन्हें झोपड़पट्टी में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। मुंबई को सिंगापुर बनाने की बात किया जाता है और कभी कभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली को भी सिंगापुर बनाने की बात करते हैं और मोदी जी बनारस को क्वेटा बनाने की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कागजों पे बात होता है, भाषणों में बात होता है। ज़मीनी हकीकत ये होती है कि हमारे टैक्स का पैसा का दुरुपयोग किया जाता है, बिल्डिंग तो बना दिया जाता है, 8 साल से ये सभी बिल्डिंग खाली है। हाँ, हालांकि कुछ बिल्डिंग्स में कुछ लोग रहते हैं लेकिन ज़्यादातर बिल्डिंग्स खाली है। अगर इस विद्या विहार में गरीबों को अगर फ्लैट आवंटन सही समय पर सही दाम पर सही तरीके से कर दिया जाए तो शायद उन्हें मुंबई में झोपड़पट्टी में नहीं रहना पड़ेगा। और अगर सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति सही हो तो शायद सिर्फ मुंबई में नहीं, इस देश के किसी भी शहर में किसी भी कोने में गरीबों को जो है बारिश के दिनों में चूता हुआ मकान में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम लोग तो इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं कि उस टैक्स का अगर सही ढंग से इस्तेमाल होना तो शायद इस देश से गरीबी मिट जाएगी। लेकिन हाँ, हम गरीबी मिटाते हैं ना, कब मिटाते हैं पता है कब? जब सिर्फ चुनाव आता है तो गरीबी मिटाएंगे। और चुनाव के बाद पता है क्या करते हैं? गरीबों का खून चूसते हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ा के, डीजल का दाम बढ़ा के, GST बढ़ा के, हर एक सामान का दाम बढ़ा के, सरसों का तेल का दाम बढ़ा के, रिफाइंड तेल का दाम बढ़ा के। सही है कि नहीं है? 2014 से पहले जो विपक्ष के नेता इस देश से गरीबी और महंगाई ख़त्म करने की बात कर रहे थे, 2014 में सत्ता में जब काबिज हुए तो वहीं गरीबों का खून चूसना शुरू कर दिए। बस ये सरकारें आती है जाती है, हमारे टैक्स का पैसा का बिल्डिंग बनता है और गिर भी जाता है लेकिन गरीबों को आवंटित नहीं होता। ये सिर्फ मुंबई की स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति पुणे की है, ऐसी स्थिति बेंगलुरु की है, ऐसी स्थिति दिल्ली की है, चेन्नई की है, हर जगह की यही स्थिति है। बिहार का तो स्थिति ही खराब है, वहाँ पे इस प्रकार का बिल्डिंग तो सरकार कहीं बनाता ही नहीं है और कभी बनाया ही नहीं है। बनाता है एक मंजिल का, उद्घाटन के पहले गिर जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरा देखिए। चलिए ठीक है, इसमें बहुत सारी निगेटिविटी है कि अभी तक गरीबों को आवंटन नहीं हुआ, लेकिन 13 मंजिल का बिल्डिंग तो तैयार हुआ ना, और कम से कम अनेकों बिल्डिंग है, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर, बेतिया, मोतिहारी जैसे शहरों में और हर एक शहरों में जहाँ पे गरीबों को मकान नहीं मिल पा रहा है और शहर में रह रहे हैं उनके पास ज़मीन नहीं है तो उनको ऐसा भवन बना के जो है आवंटित किया जाए। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 56 इंच वाले जो आपने कहा था 2022 से पहले हर एक गरीबों को हम घर देंगे, तो थोड़ा घर देने के ऊपर जो है ना तेज गति से काम कीजिए। आप तो तेज गति से काम कर रहे हैं, रेलवे को कैसे बेचा जाए, अडानी को एयरपोर्ट कैसे सौंपा जाए, कैसे शिपिंग यार्ड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बिक जाए, LIC में कैसे LIC का शेयर बेच दिया जाए, कैसे एयर इंडिया को बेच दिया गया। अरे वो सब काम छोड़िए और गरीबों का विकास करने के ऊपर सोचिए और थोड़ा सा इस प्रकार का घर जो है ना और तेज़ गति से बनवाइए और गरीबों को आवंटित कीजिए, और साथ में पेट्रोल डीजल के साथ साथ सरसों का तेल का दाम थोड़ा सा कम कीजिए ताकि देश के लोगों का भला हो। एक साइड मैं दिखा रहा हूँ, दूसरा साइड आप देखिए, इधर सब झोपड़पट्टी है, सारा झोपड़पट्टी है और सभी गरीब लोग रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों के पास ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा मोटरसाइकिल भी रहता है। क्या नाम है आपका? विकास गुप्ता। कहाँ से हैं? सिर्फ मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे सर मैं एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। क्या ड्राइवर है? एम्बुलेंस ड्राइवर। वहाँ पे उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है क्या? जी, उत्तर प्रदेश में रोजगार होता तो हम यहाँ थोड़ी आते। ऐसा है क्या? जी चलिए योगी जी, 2022 में चुनाव है, लंबा लंबा बातें कीजिएगा आप, रोज़गार दीजिए उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में, ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़े। और हाँ, साथ में नीतीश कुमार को भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि आप भी बिहार के लोगों को बिहार में रोज़गार दीजिए ताकि वो लोग यहाँ पे आके झोपड़पट्टी में ना रहे। अच्छा, यहाँ पे समस्या होता है?
जी समस्या तो यहाँ बहुत है, अगर अभी आधे घंटे की बारिश मुश्किल हो जाए तो पीछे से पूरा पानी भर जाता है, आगे से पूरा पानी भर जाता है, तो आपको निकलने में प्लस एक पटपटी में निकलने में दिक्कत होता है, प्लस एक यहाँ पे बाथरूम है सार्वजनिक और वहाँ लंबा है, तो जितनी माता बहने हैं जो भी हैं सबको बारिश में। लेकिन सरकार ने बनाया ना, इधर देखिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जस्ट रोड के इस बगल जो है ना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया है, तो इसमें आवंटन नहीं हुआ है क्या गरीबों को? अभी देखिए इसमें दो तीन बिल्डिंग ऐसे हैं जो आवंटन हो चुके हैं, दो तीन जी, अब बाकी तो बिल्डिंग पाँच छः सालों से बनी है और ऐसे कैसे हैं। कुछ लोग तो आठ दस सालों से बोल रहे हैं, आप पाँच छः सालों से बोल रहे हैं, आठ दो सालों से वही 500 मैं बता रहा हूँ आपको, टारगेट वही होगा जो भी होगा, तो बना हुआ हमारे सामने बिल्डिंग बनी है ये, तो ये बिल्डिंग बनी कुछ लोगों को आवंटित हुई, कुछ लोग आए, मगर बाकी के अंदर के जो बिल्डिंग आप अभी आप फ्रंट के देख रहे हैं, अंदर ही बिल्डिंग है, आप वहाँ के हाल देखेंगे तो अच्छी अच्छी बिल्डिंगे हैं, मगर किसी को कुछ नहीं मिला। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका सरकार पहले था और तबे ये बिल्डिंग बना था, देवेंद्र फडणवीस इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी हैं। उद्धव ठाकरे जी आपसे भी विनती करना चाहते हैं, आपने बोला था गरीबों का विकास करेंगे और उसी के नाम पे गरीब लोग आपको वोट दे दिए, तो कम से कम गरीबों का विकास कीजिए, और ये जो बिल्डिंग्स है ना जो खाली है पिछले 10 साल से, कुछ लोग 10 साल से बोल रहे हैं, कुछ लोग 8 साल से बोल रहे हैं, कुछ लोग 6-7 साल से बोल रहे हैं, तो कम से कम आवंटित कीजिए ना, किसी का तो भला हो जाए, पैसा लग गया गरीबों का, टैक्स का पैसा, महंगाई से जो आप लोग वसूल किए गरीबों का खून चूस के उसका पैसा, और गरीबों को आवंटित नहीं कर रहे हैं। ये जगह का क्या नाम है जी? मिलिंद नगर खाड़ी का ही जगह नाम है। हाँ। मिलिंद नगर खाड़ी। हाँ। विद्या विहार वेस्ट। हाँ। बस जगह का भी नाम इन्होंने बता दिया है। ये सभी घर जो है ना इस दीपावली में अगर भर जाएगा ना, तो बहुत सारे लोगों के घरों में रोशनी आ जाएगी और बहुत सारे लोगों के घरों में राम राज आ जाएगा। बाकी अयोध्या में जो दीपक जलाते हैं अच्छा काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा घरों में भी दीपक जलाने का प्रयास कीजिए, ताकि गरीबों के चेहरा पे रोशनी आए और गरीबों का दीपावली जो है ना वो उजाला वाला हो जाए। और बाकी यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, महिलाएं हमें देख कर जो है यहाँ पे खड़ी हो गई, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पानी की समस्याएं हैं, बाथरूम की समस्याएं हैं, और बारिश के दिनों में जो है घरों में पानी भर जाता है, तो उन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए और गरीबों का विकास होना चाहिए। बाकी मैं ये बिल्डिंग को इस देश के प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दिखा रहा हूँ कि विकास सही ढंग से सही तरीके से अगर हो जाए तो शायद इस देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। बाकी इस देश के जितने भी ईमानदार लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, वो आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, और जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस इतना ही बोलूँगा कि मुंबई के कुर्ला से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।